प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं अपने यूट्यूब चैनल आत्मा कलीसिया से क्या कहता पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय विरोधियों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है, लोगों पर सताव हो रहा है और बहुत सी कलीसियाओं में वे जाते हैं और बहुत इधर उधर कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, चीज़ों को जला देते हैं और लोगों को डांटते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। हाँ परमेश्वर पिता, मैं यही चाहता हूं खुदावंद कि ये सभी लोग पिता परमेश्वर जितने भी छत्तीसगढ़ में विरोधी हैं खुदावंद, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर चाहते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यहोवा होने दे प्रभु, कि जैसे परमेश्वर पिता प्रभु यहोवा तूने शाऊल का मन परिवर्तन किया और वो पौलुस बना, वैसे ही परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना है खुदावंद पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग इस छत्तीसगढ़ में परमेश्वर पिता सताव को ला रहे हैं प्रभु जी, जो सताव में है परमेश्वर पिता और खुदावंद जो सता रहे हैं खुदावंद, मैं चाहता हूँ उनका खुदावंद तू मन परिवर्तन करे, जिससे कि वो खुदावंद पौलुस के समान कार्य करें, शाऊल के समान नहीं बल्कि पौलुस के समान कार्यों को करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता आप दया करें प्रभु जी, करुणा करें परमेश्वर प्रभु। हाँ खुदावंत पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जितनी भी कलीसियाएं लग रही हैं प्रभु जी, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपने खुदा चाहते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हर एक पर हम आपके निगेबानी को मांगते हैं परमेश्वर, चाहते हैं खुदावंत पिता परमेश्वर आपका आत्मा प्रभु जी अगुवाई करे खुदावंत, दया कर प्रभु, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। और खुदावंत पिता परमेश्वर एक बार फिर से मैं यही चाहता हूँ खुदावंद कि जितने भी लोग खुदावंद छत्तीसगढ़ में हैं और जितने भी खुदावंद पिता परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुदावंद खड़े और अड़े रहने वाले उसके प्रभु जी, तेरी महिमा करने वाले उसके परमेश्वर प्रभु जी, आप उन्हें ताकत दें, बल दें, सामर्थ्य दें प्रभु जी, कि वो तेरी महिमा से दूर ना जाएं, वो तुझमें बने रहें और खुदावंद मजबूत बने रहें परमेश्वर। आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी। और यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग खुदावंद सताओ कर रहे हैं प्रभु जी, सता रहे हैं लोगों को पिता परमेश्वर, हाँ खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, मैं चाहता हूँ खुदावंद कि जैसे आपने शाऊल का मन परिवर्तन करके पौलुस बना दिया, वैसे ही खुदावंद तो उनका भी मन परिवर्तन कर, कि खुदावंद वो जो साउल था वो सताता था लेकिन जो पौलुस था वो लोगों को बचाता था, वैसे ही परमेश्वर आज कार्य कर कि जिससे कि पिता परमेश्वर जो लोग शाऊल का काम कर रहे हैं प्रभु, वो पौलुस का काम करने पाए। खुदावंद तू अगुवाई करे प्रभु, तू मदद करे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम में मांगते इस प्रार्थना को सुने और बड़ी दया से ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों ने इस प्रेयर को सुना है, मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि जो सताव हो रहा है वो सताव जो लोग कर रहे हैं वो लोग परिवर्तन होने पाए, उनके मन परिवर्तन हो और वो भी बचाए जाने वाले हो सकें, शाऊल के जैसे जब वो पौलुस बना। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जरूर से ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में छत्तीसगढ़ को याद रखें, क्योंकि वो इस समय बहुत ही ज़्यादा सताव में है और बहुत ही ज़्यादा लोग सताव कर रहे हैं वहाँ पर। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ प्रभु का दास होने के नाते, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्रार्थना करें और खुदावंद की कुवत वहाँ पर कार्य करे, खुदावंद अपनी सामर्थ को भेजे और वहाँ पर बड़ा आश्चर्य कर्म होने पाए और बड़ा अद्भुत कार्य वहाँ पर दिखाई देने पाए। यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। और जितने लोग प्रार्थना करते हैं, मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग वहाँ के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं अवश्य ये जानता हूँ कि वो बहुतायत की ब्लेसिंग को पाएंगे, बहुतायत की आशीष को पाएंगे, क्योंकि जब हम खुदावंद के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम भी आशीष को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम दूसरों की खेती सींचते हो तो तुम्हारी खेती अपने आप से सींची जाएगी। खुदावंद का जो वचन कहता है वो सच्चा है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी प्रार्थना करें।
घर भी हूँ, जिससे कि आप जब परेशानी में हों, आप भी जब सताव में हों, तो आपके लिए भी बहुत से लोग प्रार्थना योद्धा हो सकें। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जरूर से प्रार्थना करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।